दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा, भारत में केवल दो सिविल सेवा पद हैं, जिसमें आईएएस या आईएफएस पोस्ट प्राप्त करने के बाद आप दोबारा सिविल सेवा परीक्षा नहीं दे सकते। उसके लिए आपको पहले इस्तीफा देना होगा। आज हम आपको इन दोनों पोस्ट के अंतर के बारे में बताएंगे। आईएएस और आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है? आईएएस अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है और आईएफएस अर्थात भारतीय विदेश सेवा होता है। आईएएस और आईएफएस के कार्य क्या होते हैं? दोस्तों, आईएएस अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं, साथ ही नई नीतियां या कानून बनाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। और एक आईएफएस अधिकारी विदेशी मामलों को लेकर काम करते हैं और विदेश मंत्रालय में अपनी सेवाएं देते हैं। आईएफएस अधिकारी डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों में काम करते हैं और द्विपक्षीय मामलों को हैंडल करते हैं। दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी एक जिले का प्रतिनिधित्व करता है और एक आईएफएस अधिकारी विदेशी धरती पर भारत के 1.3 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आईएएस और आईएफएस के फायदे क्या है? एक आईएएस के फायदे, नंबर एक, परिवार से नजदीक भारत में रहते हैं। नंबर दो, डायरेक्ट लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। नंबर तीन, तुरंत डिसीजन लेने की पावर होती है। नंबर चार, अच्छी सैलरी, रुतबा और नाम होता है। आईएफएस के फायदे, नंबर एक, विभिन्न प्रकार के देशों को देखने का मौका मिलता है। नंबर दो, निरंतर सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। नंबर तीन, नए लोगों से मिलने, नई संस्कृतियों, भाषा का अनुभव करने का अवसर। नंबर चार, अच्छी सैलरी मिलती है। आईएएस और आईएफएस के नुकसान क्या है? आईएएस ऑफिसर को, नंबर एक, अनावश्यक राजनीतिक दबाव होता है। नंबर दो, होम सिकनेस, अगर आपकी रैंक कम है तो कैडर प्रॉब्लम होती है। आईएफएस के नुकसान, नंबर एक, परिवार से अलग होना पड़ता है। नंबर दो, युद्ध वाले देश में पोस्टिंग होना। नंबर तीन, बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती है। नंबर चार, यूएसए, चाइना, पाकिस्तान देशों में पोस्टिंग होने पर अधिक प्रेशर रहता है। दोस्तों, आईएएस और आईएफएस दोनों पद समान स्तर और समान रैंक के हैं, लेकिन आईएएस होने के नाते आप अपने देश में काम करते हैं और आईएफएस का चयन करके आप अपने देश के लिए विदेशी धरती से काम करते हैं।